love you, Mala. कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता स्वर्ग में तय होता है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी इस रिश्ते की गरिमा को संभालने में असफल साबित हो तो दोनों की जिंदगी नर्क बन जाती है। भोपाल में रहने वाले माला और सत्यम राठौड़ की शादी को एक साल पूरा हुआ था। माला मां बनने वाली थी और सभी इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन इस सबके बीच एक ऐसा सच पनप रहा था जो सबकी नजरों से बचा हुआ था। आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहा है। माला, दूध पी ले और नाश्ता कर ले। माँ, सुबह सुबह सत्यम भी ना अभी तक सो रहा होगा। माँ, इसीलिए मैं घर छोड़ के नहीं आती। आज फिर उसे पक्का लेट होगा ऑफिस जाने। बच्चा नहीं है वो, उठ जाएगा। तू अपना ध्यान रख, दूध पी ले और नाश्ता कर ले और थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ, उठेगा तो फिर फोन करके बोलेगा कि उठाए क्यों। एक तो इसने परेशान करके रखा है, ऊपर से सत्य पता नहीं बड़ा कब होगा ये लड़का। हो जाएगा, तू नाश्ता कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए, आई थिंक हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए। केके सर ने सिर्फ अनुष्का को अंदर बुलाया है, किसी और को नहीं। ठीक मैम, आप जाइए। मैं आती हूँ। सत्यम, हमें ठीक नहीं लग रहा अनुष्का। सिद्धांत को मेरे सत्यम, अगर मुझे उनसे भी डर के रहना पड़े तो फिर किसी बात से क्या फर्क पड़ता है? अग्रवाल अंकल? हाँ अंकल। हटिए, पीछे हटिए, चलिए। विक्टिम का नाम सत्यम राठौर है, इसलिए एक साल से अपनी बीवी माला के साथ यहां रह रहा था। सर पर बार बार हमला करने के बाद भी दोनों हाथों की नसें काटी गई है ताकि बचने का कोई चांस ही न रहे। वैसे इरादा चोरी का तो नहीं लगता, घर का सारा सामान अपनी जगह पे ही है। जी सर, अलमीरा और ड्रॉवर्स भी लॉक है, लगता नहीं किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। तो जब मर्डर हुआ घर में कौन कौन था? सर कोई नहीं, बीवी मायके गई हुई होशंगाबाद, पड़ोसी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। मेरी भी बात हो गई। तो बॉडी किसे मिली? एक पड़ोसी ने, सुनील अग्रवाल। ये अंगूठी? सर शायद इसी की है, उंगली पे अंगूठी का निशान है। सो रात में शायद यहाँ पार्टी हुई है, तीन लोग थे। बीवी मायके गई है तो रुकने वाला भी कोई नहीं होगा, हो सकता है शराब ज्यादा होगी, कहा सुनी बढ़ गई। पड़ोसियों से पता करो, कल रात किसी ने झगड़े की कोई आवाज सुनी थी या फिर घर में किसी को आते जाते देखा हो। सर माला, आप अपने पेरेंट्स के घर कब गई थी? ये चार दिन पहले हमारे घर आई थी। माला की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी तो हमने ही कहा कि हमारे साथ आके रहे। और सत्यम का परिवार? सत्यम के माता पिता की कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैं उसके पिता को जानता था और सत्यम को भी। बहुत होनहार लड़का था, मेहनती, जो कुछ भी बनाया था उसने अपने दम पे बनाया था।
मैं बहुत गर्व करता था उस पे, इसीलिए मैंने अपनी माला का रिश्ता उसके साथ तय किया था और इनकी शादी के बाद हम ही उसका परिवार थे। तो आप बता सकते हैं कि सत्यम के साथ ये सब कौन कर सकता है? सत्यम का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सत्यम तो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। हमें सत्यम की लाश के पास से ये अंगूठी मिली है, ये सत्यम की है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, 2 महीने पहले माला और सत्यम की शादी की पहली सालगिरह थी, उस वक्त माला ने ये अंगूठी उसे गिफ्ट दी थी। आई लव यू माला। जीजू आपने बताया नहीं आपको दीदी का गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। भगवान तुम दोनों को सबकी पूरी नजर से बचाए। नजर कैसे लग सकती है माँ, आप दोनों का आशीर्वाद जो है। मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची को हमारी नजर लग गई। तो सत्यम की उंगली में यह अंगूठी ढीली थी क्या? नहीं, ये तो सत्यम की माँ की थी, मैं खुद माला के साथ गई थी बनवाने के लिए। तो फिर यह अंगूठी उंगली से निकल कैसे गई? शायद उसी ने निकाल दी होगी, उसे अंगूठी पहनना पसंद नहीं था। सगाई की अंगूठी भी 4 महीने बाद उसने निकाल के अलमारी में रख दी थी। घर की अलमारी में? घर में और भी गहने हैं। माला के सारे गहने घर के अलमारी में रखे हुए। सत्यम की सगाई की अंगूठी है। आप हमेशा ये गहने घर पे रखती हैं? जी। इंस्पेक्टर सर पे चोट के 3 निशान हैं, यानी 3 बार वार किया गया है, लोहे की रॉड से या ऐसी ही किसी और चीज से। हाथों की नसें गहराई तक काटी गई हैं और ये रिंग फिंगर पर निशान भी है, यानी हाल फिलहाल में रिंग यहाँ से उतारी गई है। बॉडी पर लड़ाई झगड़े के और कोई निशान? नहीं, इसके अलावा बॉडी पर कोई निशान नहीं है। मौत का समय? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से रात 10 से 1 बजे के बीच का टाइम रहा होगा, अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। किलर सत्यम को मारने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था, सर पर 3 बार हमला करने के बाद भी हाथों की नसें काटी गई, ये क्राइम ऑफ पैशन लगता है। कोई या तो सत्यम से बहुत गुस्सा था या फिर नफरत करता था। कातिल ने घर में पड़े गहनों को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि अलमारी की चाबी वहीं गद्दे के नीचे रखी हुई थी। पर सर घर के बाकी सामान में से भी कुछ गायब नहीं, मेरी माला से बात हुई। तो अगर इरादा चोरी का नहीं था तो कातिल ने सत्यम की उंगली से वो अंगूठी निकाली क्यों होगी? सर ये हो सकता है कि जब सत्यम के सर पे वार हुआ और वो गिरा, गिरते समय उसके उंगली से वो अंगूठी निकल गई। ऐसा हो सकता है यादव, लेकिन माला की माँ दिव्या ने बताया था कि वो अंगूठी सत्यम के हाथ में एकदम फिट थी और सत्यम की बॉडी पर लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं है, तो फिर वो अंगूठी उसकी उंगली से निकली कैसे होगी? सर मुझे लगता है सत्यम के मर्डर के पीछे उन्हीं 2 लोगों का हाथ है जिनके साथ उसने पार्टी की। एक बार वो दोनों मिल जाए तो इस अंगूठी का मसला भी सुलझ जाए। और उन दोनों में से शायद एक औरत थी, हो सकता है वही झगड़े का कारण रही हो और सत्यम की मौत का भी। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, जाकर भी खुद को यकीन नहीं दिला पा रही हूं मां कि सत्यम अब नहीं रहा, किसी ने उसे हमसे छीन लिया है। ऐसा क्यों हुआ मां? मां दीदी कैसी है? सत्यम के कॉल लॉक्स के हिसाब से 11 सितंबर को शाम 7 बजे उसने पारुल आपको फोन किया था। हाँ, सत्यम जीजू का कॉल आया था। क्या बात हुई थी? एक्चुअली मैं 2 दिन से दिल्ली में थी, मेरा बैंक पीओ का एग्जाम देने गई थी। उनका परसों कॉल आया था सर, ये पूछने कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी जा रही हैं और बेस्ट ऑफ लक विश करने। माला ये आपका है? जी नहीं। माला हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपने बताया था कि आप कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स के घर गई थी, तो पेरेंट्स के घर जाने से पहले आपके सत्यम के साथ संबंध बने थे? ये सब क्या पूछ रहे हैं सर? इसका सत्यम के खून से क्या लेना देना? दरअसल हमें ऐसा शक है कि आपके पति सत्यम का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पागल हो गए क्या सर आप? कुछ भी कह रहे हैं? अरे
एक कॉपर क्या मिल गया आपको? आपको लगता है कि उनका अफेयर चल रहा था किसी औरत के साथ? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे सर, और मैं भी, मर्डर हुआ है उनका, उनके खूनी को ढूंढने के बजाय आप उन्हीं के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। आपके घर से इस कॉम्पैक्ट के अलावा हमें ये भी मिला है, आपके बेडरूम के डस्टबिन से। हम आपकी कंडीशन समझते हैं, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए सच जानना जरूरी है। हमें शक है कि जिस रात सत्यम का खून हुआ था, उस रात वो अपने घर पर किन्हीं दो लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, और उनमें से शायद एक औरत थी। सत्यम ने उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और उसके बाद उन लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से सत्यम का खून हुआ। क्या आप हमें सत्यम के ऐसे खास दोस्तों के बारे में बता सकती हैं? कौन हो सकते हैं वो लोग? मुझे ये सब नहीं पता सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सत्यम बहुत ही शरीफ लड़का था। दयानंद जी, लोग जैसे दिखते हैं असल में वैसे ही हों ये जरूरी नहीं, असलियत कुछ और भी हो सकती है। आप हमें सत्यम के बारे में और क्या बता सकते हैं? सत्यम धीरज एस्टेट में जॉब करता था, रियल एस्टेट का ऑफिस है, और उसके साथ साथ अपने दोस्त मयंक के साथ डिजिटल प्रिंटिंग की शॉप चलाता था। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है, वो किसके साथ पार्टी कर रहा था, वो लड़की कौन थी, हमें कुछ नहीं पता है। बेटा तूने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं, थोड़ा सा दूध पी ले। ये क्या किया? सब कुछ धोखा था, सत्यम मेरे पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ। तुझे होश भी है? तू क्या कह रही है? सच कह रही हूं। जब मैं यहां अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रख रही थी, तब वो वहां अपने दोस्तों और उन औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा था। पुलिस को सबूत मिले हैं मां। कितनी गर्मी है। अरे जीजू ला तो रहे हैं तेरी कोल्ड कॉफी। ये रहे तुम दोनों की मैंगो शेक्स। अरे पर मैंने तो कोल्ड कॉफी मंगाई थी, मैंगो शेक तो पारुल ने लाने के लिए कहा था ना। अभी इसे से मैनेज कर लो ना, ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। तुम्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस अपनी साली से प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। परेशान मत, मैंने सब प्लान कर लिया है। जी सर, सत्यम यहाँ काम करता था, बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार कुछ नहीं। पर दोस्ती, मेरा मतलब यहाँ ऑफिस में उसका कोई खास दोस्त था, कोई आदमी या कोई औरत? सर वो तो सबसे अच्छे से बात करता था, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन किसी के साथ उसे घुलते मिलते नहीं देखा। 11 सितंबर, जिस रात उसका मर्डर हो, वो यहाँ ऑफिस से कितने बजे निकला था? रोज की तरह 5 बजे। वो हर रोज शाम 5 बजे यहाँ से निकलकर अपने शॉप जाता था, फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग। जी सर, फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग मैंने और सत्यम ने साथ मिलकर शुरू की थी सर, डिजिटल प्रिंटिंग शॉप है सर। कब शुरू की थी ये शॉप? 6 महीने पहले। और तुम सत्यम को कब से जानते हो? सर हमारी दोस्ती पुरानी थी, करीब 4-5 साल पुरानी। दोस्ती अगर इतनी पुरानी है तो घर में भी आना जाना होता होगा। हाँ सर, पहले तो अक्सर साथ ही होते थे, लेकिन जब शादी हो गई तो थोड़ा आना जाना कम हो गया। तो जब माला घर पे नहीं रहती होगी, तुम लोग आपस में पार्टी तो करते होगे? हाँ सर, कभी कभी। तो फिर मर्डर वाली रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुमने सत्यम को मार ही दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? उस रात मैंने उसके साथ कोई पार्टी नहीं की, इनफैक्ट मैं 1 महीने पहले आखिरी बार उसके घर गया था। और मैं उसको क्यों मारूंगा सर, वो मेरा दोस्त था। लेकिन मयंक, आंकड़े यही बताते हैं कि आखिर में दोस्ती दुश्मन निकलते हैं।
मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी प्रिंटिंग की दुकान को लेकर आपस में कोई झगड़ा था? सर ऐसा कुछ नहीं था और ना ही मैंने कुछ किया। दूसरी बात यह है सर कि सत्यम माला भाभी को कभी धोखा दे ही नहीं सकता। सत्यम तो माला भाभी पे जान छिड़कता था और वो कभी नहीं चाहता था कि माला भाभी को किसी चीज की कमी महसूस हो, इसीलिए वो जॉब के साथ साथ बिजनेस बढ़ाने में भी लगा था। मर्डर वाली रात 11 सितंबर को सत्यम कितने बजे निकला था दुकान से? वैसे तो वो रोज 10 बजे निकलता था, उस दिन उसको कुछ काम था तो 7 बजे निकल गया था। क्या काम था? ये तो पता नहीं सर, उसने किसी को कॉल किया और वो निकल गया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पारुल तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, मेरा यकीन करो कुछ नहीं होगा। सर, सत्यम राठौर के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। उस शाम 7 बजे के आसपास उसने सिर्फ पारुल को फोन किया। पारुल तो दिल्ली गई हुई थी एग्जाम देने के लिए, तो उससे मिलने के लिए तो नहीं निकला होगा। उसके मोबाइल लोकेशन डिटेल के हिसाब से फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग से वो कमता नगर की ओर गया, तो वहां से करीब रात 10 बजे के आसपास अपने घर वापस आया। अगर घर में पार्टी हुई थी तो प्लानिंग भी हुई होगी, दोस्तों को फोन किया गया होगा, या फिर हो सकता है कि पार्टी का प्लान पहले से ही बना हो, वो अपने दोस्तों से मिलने कमता नगर गया हो और उन्हें लेकर अपने घर चला गया हो। इस सत्यम का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मैंने एक आदमी को काम पे लगा दिया, वो कहां जाता था, क्या करता था, ये सभी डिटेल्स जल्दी मिल जाए। गुड, लेकिन इस सत्यम का कैरेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बीवी कह रही है कि बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ बीवी के घर से जाते ही ऐसी पार्टीज करता था जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। सर एक बात और, अपने क्लाइंट्स, ऑफिस स्टाफ और फैमिली के अलावा हाल फिलहाल में इसकी किसी अमन सैनी से एक दो बार बात हुई। अमन, आप सत्यम के दोस्त हैं? जी सर। कब से जानते थे उसे? तकरीबन 1 साल पहले सर काम के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। बातें तो रोज़ रोज़ नहीं होती थी सर, लेकिन जब कभी भी हम मिलते थे तब काफ़ी बातें होती थी। तो कभी बातों बातों में सत्यम ने आपसे किसी औरत का जिक्र किया? नहीं सर, ऐसा तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। और सर उसको देखकर भी ऐसा कभी कुछ लगता नहीं था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर रहा होगा। 11 सितंबर की रात 10 से 1 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था सर। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस रात सत्यम ने अपने घर में 2 लोगों के साथ पार्टी की थी और उनमें से एक औरत भी थी। नहीं सर, ना तो मैं वहाँ था और ना ही इस बारे में मैं कुछ जानता हूँ। और सर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं सत्यम को ऐसी किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है अमन, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर वो भुवन है, आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। हाँ भुवन, कोई काम की खबर लाया है तो बोल। जी साहब, बिल्कुल पक्की खबर है। ये अपना सत्यम काफी शौकीन आदमी था, महीने में कई बार लाल मंडी के चक्कर लगाता था। सत्यम राठौर को जानती थी? हाँ जानती थी, दुख हुआ सुनकर, अच्छा आदमी था। शायद तुम्हें इतना अच्छा लग गया कि तुमने उसे शादी के लिए कहा और जब उसने मना कर दिया तो तुमने उसे मार दिया। ये क्या बोल रहे हो साहब आप? प्यार, शादी, खून, आप लोगों ने तो पूरी कहानी बना दी। साहब मैं धंधा करती हूँ, पैसों के लिए उसके साथ सोई थी, ये किसी और का पाप मेरे गले पे मत डालिए। 11 सितंबर की रात तुम उसके घर गई थी या नहीं? नहीं गई थी साहब, लोग मेरे पास आते हैं, मैं लोगों के पास नहीं जाती। तो सत्यम में ऐसा क्या था जो वो तुम्हें अच्छा आदमी लगा? साहब मेरे पास सब चमड़ी के लिए आते हैं, काम हुआ और निकल गए। लेकिन सत्यम वैसा नहीं था, वो 4 से 5 बार आया होगा मेरे पास, सोया भी है मेरे साथ, लेकिन एक अलग ही सलीके वाला आदमी था। सब घंटों मेरे साथ बातें किया करता था, वो इज्जत देता था मेरे को, लेकिन कुछ दिन से मुझे वो परेशान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही हो। उसने तुमसे कुछ कहा किसी के बारे में? सब ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उसकी बीवी के साथ उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा था।
ये पहली बार था जब किसी ने पुलिस को बताया था कि सत्यम और माला के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन इसके नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं था। क्या कनक जो कह रही थी वो सच था, या जैसा बाकी सबको दिखता था कि सत्यम और माला साथ में खुश थे वो सच था? क्या सच में माला और सत्यम के बीच के संबंध काफी खराब थे? और अगर ऐसा था तो माला ने ये सच अब तक बयां क्यों नहीं किया था? हाँ सर, हमारे झगड़े होते थे जैसे हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं। हमारे बीच भी छोटी मोटी बात को लेके कहा सुनी हो जाती थी। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो कौन सी छोटी छोटी बातें थी जिनको लेकर आपके बीच कहा सुनी होती थी? नॉर्मल झगड़े सर, रोजमर्रा की जिंदगी वाले, जैसे कपड़े बेड पे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, मेरा टोकना उसे पसंद नहीं आना। माला जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कुछ छुपा रही हैं। आपका पति प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, जब आप घर पे नहीं रहती थी तो वो किसी दूसरी औरत के साथ था, और आप कह रही हैं कि आपकी मैरिड लाइफ नॉर्मल थी। देखिए, कुछ बताना है तो बता दीजिए, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ना रहे बताने के लिए। सर, मेरी और सत्यम की अरेंज मैरिज थी। मेरे पापा सत्यम को बहुत पहले से जानते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। मुझे भी सत्यम बहुत पसंद था। शादी के 6 महीने तक सब ठीक चल रहा था सर, फिर धीरे धीरे सत्यम में अजीब सा बदलाव आने लगा। पैसे को लेके अजीब सा लालच आ गया था उसमें। सर, मैं बिजली विभाग में काम करती हूँ, मेरी और सत्यम की सैलरी मिला के घर आराम से चल जाता था। लेकिन सत्यम को बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना था, फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए चाह रहा था कि मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पापा से मांग लूं। माला, मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर दुकान खोली है ताकि तुम्हें और आराम की जिंदगी दे पाऊं। दिन रात मेहनत करता रहता हूं मैं ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, पर तुम अपने पापा से अपने हक का हिस्सा नहीं मांग सकती हो? उस पर तुम्हारा भी तो हक है, इतनी प्रॉपर्टी का वो करेंगे भी क्या? सत्यम, वो प्रॉपर्टी पापा की है, वो उसका जो चाहे करे, हम उनसे नहीं मांग सकते। उन्हें जब खुद से देना होगा तब दे देंगे। सत्यम, तो पर मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो आपने पहले हमें ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? सर, मैं पापा के सामने ये सच नहीं बताना चाहती थी। पापा उस पे बहुत भरोसा करते थे और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। हाँ, हमारे बीच झगड़े होते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था मुझे। बच्चे की खबर सुनकर वो बहुत खुश था। हाँ, वो जरूरत से ज्यादा समय अपने काम पे बिताता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो हमारे आने वाले बच्चे के लिए कर रहा है ये सब। लेकिन अब मुझे पता लगा कि वो मुझसे दूर सारा वक्त उस कनक के साथ बिता रहा था, काम पे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस अभी सिर्फ माला दीदी से पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर उन्होंने घर के लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया तो सारा सच सामने आ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर, सत्यम मर्डर केस में जितने भी एविडेंसेस मिले थे उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। अजीब बात यह है कि जो 3 विस्की के ग्लासेस मिले थे उनमें से सिर्फ एक पर फिंगरप्रिंट्स मिले, वो भी सत्यम के। बाकी के दोनों ग्लासेस बिल्कुल क्लीन है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। वो बाकी के जितने भी एविडेंसेस थे उन पर भी सत्यम के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, ना उस कॉम्पैक्ट पाउडर पे और ना उन खाने की प्लेट्स पे। यानी कि मर्डर के बाद निशान मिटाए गए। इतना ही नहीं सर, जो दो कॉन्डम्स हमें डस्टबिन से मिले थे उन्हें यूज नहीं किया गया था, उनमें से ना कोई सीमेन मिला है और ना ही कोई डीएनए सैंपल। और सर, सत्यम की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके खून से कोई भी अल्कोहल के ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही उसके पेट में चिकन के कोई भी अंश मिले। क्या ये सब कुछ प्लान्ड था? पहले सत्यम को मारा गया, फिर उसकी शर्ट खोली गई, और फिर सब कुछ ऐसा स्टेज किया गया जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई औरत भी मौजूद थी। सर, ये भी हो सकता है कि इस केस में कोई औरत इन्वॉल्व ही ना हो, और हो सकता है इस सबके पीछे कुछ ऐसा हो जो अब तक हमारी नजरों से छुपा हुआ हो। और मुझे बार बार माला और उसकी फैमिली पे शक हो रहा है। यादव, पूरी फैमिली की डिटेल निकालो।
देखें कौन क्या छुपा रहा है। ये फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दीजिए, कल आपका 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप माला के साथ बिजली विभाग में काम करती हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? माला एक अच्छी लड़की है, वो मेरी दोस्त है इसलिए नहीं बोल रही, बल्कि असल में वो सबकी हेल्प करती है। वो बहुत प्यार करती थी सत्यम से। क्या कभी उसने उनके बीच किसी झगड़े के बारे में बताया? नहीं सर, इनफैक्ट वो सत्यम को सरप्राइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कितनी बार तो वो ऑफिस से हाफ डे लेकर निकल जाती थी। पूछने पर यही बोलती थी कि उसे सरदर्द की प्रॉब्लम है, लेकिन सर उसके चेहरे की खुशी से पता चलता था कि वो अपने पति के पास ही जा रही है। आपकी दोस्त ने हमें बताया कि आप अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेकर निकल जाती थी, जबकि आपने हमें बताया था कि सत्यम काम के सिलसिले में रात 10 बजे तक घर से बाहर ही रहता था, तो आखिर आप ऑफिस से निकलकर जाती कहाँ थी? मैं घर ही जाती थी सर, और कहाँ जाऊंगी? मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है सर, इसलिए जब सरदर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता था तब छुट्टी लेकर घर चली जाती थी। तो किस डॉक्टर को दिखा रही थी आप? किसी को नहीं सर, बस थोड़ा सा रेस्ट लेती थी और ठीक हो जाती थी। आपको माइग्रेन की वजह से अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेकर जाना पड़ता था, लेकिन आपने आज तक किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। ये सब क्या फिजूल के सवाल कर रहे हैं सर आप? गलती हो गई, डॉक्टर को नहीं दिखाया, अब चली जाऊंगी बस, और कुछ? बस इतना ही कि अगर इस सब में आपका कोई हाथ हुआ ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से कानून आपको बख्श देगा। जब किस्मत ने नहीं बख्शा तो कानून से क्या फर्क पड़ेगा, सजा तो मैं भुगत ही रही। डोंट वरी, अंडर एनेस्थेशिया आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ओके? आप आराम से लेटे रहिए। अगर माला को पता चल गया था कि सत्यम उसे धोखा दे रहा है, तो भी माला को उसे मारने की जरूरत नहीं थी, उसे छोड़ सकते थे, अच्छे घर से फैमिली सपोर्ट कर। माला की रिएक्शन को देखकर मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो सच बोल रही है कि झूठ, लेकिन माला के अलावा सत्यम को मारने का किसी के पास मोटिव नहीं है। सर, माला और उसके फैमिली मेंबर्स के पिछले 5 महीनों के कॉल रिकॉर्ड। सर ये तो, हाँ, 11 सितंबर की रात सत्यम कमता नगर में किससे मिलने गया था, इसकी डिटेल हमारे सामने ही थी। माला और उसका पूरा परिवार शुरू से ही झूठ बोल रहा है। अपने आदमी को काम पे लगाओ, कमता नगर के जितने भी होटल, लॉजेस और रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह पूछताछ करो। इस बार सबूत के साथ ही उनका सामना करेंगे, देखते हैं कौन सी कहानी बचाती है उन्हें। खबर पक्की है, ये दोनों कामता नगर आए थे, इन दोनों को ही देखा गया है। तुमने इसे देखा था? हाँ सर, वो लड़की कमरे में इसी आदमी के साथ थी, बहुत रो रही थी साहब। फिर क्या हुआ? सर मैं बस कमरे में चाय देने के लिए गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके अलावा कुछ देखा या सुना? सर एक बात और, हर इंसान के व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं, कई बार जो जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं। इस केस में हर बार सत्यम के बारे में जो पुलिस सोच रही थी, नतीजा बिल्कुल उससे अलग ही निकल रहा था। एक बार फिर पुलिस को सत्यम की जिंदगी के एक छुपे हुए पहलू के बारे में पता चला था। क्या इस बार जैसा दिख रहा था वैसा ही था? क्या इस बार ये गुत्थी आखिरकार सुलझने वाली थी? तुमने अब तक हमसे जो भी कहा झूठ कहा, तुम 11 सितंबर की रात कमता नगर में सत्यम से मिली थी, और उसके वहां से जाने के बाद तुम पीछे पीछे उसके घर तक गई, उसका मर्डर किया, और फिर सब कुछ ऐसे स्टेज किया जिससे ये लगे कि वो वहां पार्टी कर रहा था, किसी औरत के साथ था। आप क्या कह रहे हैं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है तो मत बताओ, हम इससे पूछ लेते हैं। हम सच जानते हैं परुण, ये रहे तुम्हारे फोन लोकेशन डिटेल्स। तुमने हमसे झूठ कहा था कि तुम बैंक पीओ का एग्जाम देने के लिए दिल्ली गई थी, जबकि तुम यहां भोपाल में ही मौजूद थी। और तो और, तुम 11 सितंबर की रात कमता नगर के चंद्रावती लॉज में सत्यम से मिली भी थी, और हम ये भी जानते हैं कि वहां तुम अपने इस दोस्त मनीष के साथ रुकी हुई थी।
तुम्हारे ब्लेस्ड मैटरनिटी क्लिनिक के डिटेल्स भी हैं हमारे पास, जहां तुमने दो दिन पहले ही अबॉर्शन करवाया था। क्या था ये पारुल? लव ट्राइंगल? सत्यम के साथ रिलेशन बनाने के बाद तुम्हें मनीष से प्यार हो गया, और जब सत्यम ने विरोध किया तो तुमने सत्यम को रास्ते से हटा दिया। वो बच्चा सत्यम का था, इसीलिए अबॉर्ट करवाया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं मनीष से प्यार करती हूँ और जीजू ये बात जानते थे, लेकिन मनीष मेरे कास्ट का नहीं है और पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते। तो ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हो गई सर, इसलिए मैंने जीजू को मिलने के लिए लॉज में बुलाया था। पारुल, तुम पापा को मनाओ या मैं उनसे बात करता हूँ। पापा नहीं मानेंगे जीजू, और आकर शादी करने जितने पैसे भी नहीं है हमारे पास, और ना ही मनीष के पास कोई जॉब है। जीजू आप तो समझ सकते हैं ना, आप ही की तरह इसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। भैया मैं पारुल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। देखो मनीष, पारुल मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। हाँ लेकिन तुम दोनों की भागने में बिल्कुल मदद नहीं करूंगा मैं। अगर हम मनीष की सर्टिफिकेट्स पर उसका सरनेम चेंज कर दे और आप पापा को कन्विंस कर दे कि मनीष आपके ही गांव से है, आपका जानने वाला है, तो पापा मान जाएंगे। वो आपकी बात कभी नहीं डालेंगे जीजू। तुम पागल हो गई हो? तुम माँ पापा को धोखा देना चाहती हो? अगर तुम मनीष से प्यार करती हो तो हिम्मत करके पापा से बात करो, उन्हें मनाओ। वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ जीजू। वो जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा देंगे और किसी और के साथ शादी करवा देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जीजू। पारुल, ऐसा करने की गलती कभी मत करना। अगर मनीष से प्यार करती हो तो किसी और से शादी मत करो। पारुल, ऐसा करने से तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं जानता हूं कितना दुख होता है जब आपको पता चलता है कि आपका साथी किसी और से प्यार करता है। पारुल, अगर सच में तुम मनीष से प्यार करती हो तो अपने पापा से बात करो, कन्विंस करो उन्हें तुम्हारे साथ हूँ। चीजू के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, मैं बहुत डर गई थी और घर वालों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मनीष के मना करने के बावजूद मैंने अबॉर्शन करवा लिया। सत्यम ने ये क्यों कहा कि जानता है जब आपका साथी किसी और से प्यार करे तो कितना दर्द होता है? माला और सत्यम के बीच में कोई था क्या? माला का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जीजू तो बस ऐसे ही। पारुल, सच सच बोलो, क्या बात है? एक बात मुझे शुरू से ही खटक रही कि जब चोरी नहीं करनी थी तो कातिल ने सत्यम को मारने के बाद उसकी उंगली से यह अंगूठी क्यों निकाली? शुरू में ऐसा लग रहा था कि सत्यम ने शायद शादी में बेवफाई की है, इसलिए गुस्से में आकर यह अंगूठी निकालकर फेंक दी गई कि जब प्यार ही नहीं है तो निशानी का क्या फायदा। और असल में यही सच है कि प्यार नहीं था, लेकिन यह मामला सत्यम की बेवफाई का नहीं, तुम्हारी बेवफाई का है। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है सर? कुछ नहीं मिला तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, जाकर असली खूनी को क्यों नहीं पकड़ते हैं? वही कर रहा हूं। यह है तुम्हारे दूसरे नंबर के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में तुमने हमें बताया नहीं था, लेकिन हमने पता लगा लिया। इसे एक बार पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि तुम किससे रात को 2-2 बजे तक बातें करती थी और तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा था। पारुल, सच सच बोलो, क्या बात थी? सर, दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पारुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी दीदी ने कुछ किया है, लेकिन पूरी बात बताओ। हो सकता है तुम्हारे जीजू की हत्या का राज उसी बात में छुपाओ। जीजू ने मुझे बताया था कि दीदी ने क्या किया। मैं अमन के बारे में जानती थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि दीदी शादी के बाद भी उससे मिलती थी। अमन? अमन सैनी? हम जानते हैं माला कि तुम्हारा और अमन का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, जिससे तुम अपने इस दूसरे नंबर 444219821 से रेगुलर टच में थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर जैसा आप सोच रहे हैं। अमन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है माला, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो माला।
सर, मैं सत्यम से शादी करने के पहले से अमन से प्यार करती थी। अमन, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं किसी सत्यम के साथ, कुछ करो ना। अरे यार, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे उन्हें मनाऊं हमारी शादी के लिए। मेरी सारी उम्र निकल जाएगी उनके बराबरी करने में। मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब सी फीलिंग हो रही है। अगर तुम मेरी मानो तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम सत्यम से शादी कर लो। मैं मर जाऊंगी पर किसी और से शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम परेशान मत हो माला, मैंने सब प्लान कर लिया है। बिना किसी तमाशे के चुपचाप तुम सत्यम से शादी कर लो। 6 महीने हंसी खुशी उसके साथ रहो, सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए, फिर उसे डाइवोर्स दे देना। बहाना हम सोच लेंगे या बना लेंगे। सत्यम, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अरे टाइम कहाँ है तुम्हारे पास मेरे लिए? अचानक क्या हो गया तुम्हें? बस बहुत हो चुका है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो तुमने प्लानिंग करके शादी की और टाइमिंग देखकर डिवोर्स मांगा, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद लड़की के ऊपर दाग लग जाता है और अमन बड़ी आसानी से तुम्हारा हाथ मांगकर तुम्हारे पापा की नजरों में हीरो बन सकता था, राइट? हाँ सर, पहले तो सत्यम को लगा कि उससे ही कोई गलती हुई है, पर फिर जब मैं डाइवोर्स पे अड़ी रही तो उसे मुझ पर शक हुआ और वो मुझ पर नजर रखने लगा। सर, मैं ऑफिस से सरदर्द के बहाने अमन से मिलने जाती थी और एक दिन सत्यम ने हमें पकड़ लिया। सत्यम, मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ। कब से चल रहा है तुम दोनों का ये सब? शादी के पहले से। तो इतने दिनों तक तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। माला, तुमने शादी की मुझसे, अमन तूने दोस्ती की मुझसे, और मेरी पीठ पीछे तुम दोनों रंगरलियां मना रहे थे। पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चली गया है सत्यम, तो फिर दे दो ना डाइवोर्स मुझे। डाइवोर्स दे दूं ताकि तुम्हारी ये प्लानिंग कामयाब हो जाए? माला, बेवकूफ बनाया तुमने मुझे, झूठी शादी रचाई है मेरे साथ, तुम दोनों ने मिलकर इस्तेमाल किया मुझे। सत्यम, मैंने भी बहुत कुछ खोया है तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आकर। तुम्हारे साथ रातें बिताई है, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है इसमें? माला, चिल्लाओ मत सत्यम, मैं भी चिल्ला सकती हूँ, पर तुम्हें क्या मिलेगा मेरे साथ रह के? आखिर क्यों परेशान कर रहे हो तुम इस तरह से मुझे? बहुत हो गया सत्यम, पेपर्स बनाओ और डाइवोर्स दो मुझे। माला, मेरी ये बात कान खोल के सुन लो तुम, डाइवोर्स तो तुम्हें हर हाल में नहीं दूंगा मैं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें खुश नहीं देने दूंगा। अगर दोबारा तुमने ये डाइवोर्स का नाटक किया ना मेरे सामने, तो सब कुछ जाके तुम्हारे पापा को बता दूंगा। ये नाटक उनके सामने जाके करना। अगर वो पापा को सब सच बता देता तो पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते, और अमन का काम भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। सर, मैं डर गई थी, और ये सत्यम भी जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर उससे अलग होना था। मैं मां बनने वाली हूं सत्यम, बाप बनने वाला है, जानकर अमन बहुत खुश है। हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आएगा, हमारे प्यार की निशानी। अब देखती हूं कि तुम मुझे डाइवोर्स कैसे नहीं देते हो। हर रोज अमन का बच्चा मेरे पेट में पलेगा और तुम्हें यकीन दिलाएगा कि मैं तुम्हारी नहीं अमन की हूं। हालांकि तुम्हें जो करना है कर लो, डाइवोर्स से तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा। सत्यम, वो तो मैं करूंगी, छुटकारा तो तुमसे लेकर रहूंगी चाहे जो हो जाए। ये जो तुमने मुझे पल पल अपने साथ बांध कर रखा है ना, पछताओ। अब उसने मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा था, तभी मैंने सोच लिया था कि सत्यम को अब जाना होगा। फिर तब से ही मैंने और अमन ने मिलना बंद कर दिया।
फिर मैंने सत्यम और अपने घर वालों को ये दिखाया कि हम में बहुत प्यार है, और सत्यम को भी यही लग रहा था कि मैं शादी को एक और चांस देना चाहती हूँ, इसलिए हमारी पहली सालगिरह में मैंने उसे ये अंगूठी दी थी। अभी तक तो सब सही चल रहा है। पारुल, मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं इस बच्चे को अपना भी पाऊंगा या नहीं। चीजू, दीदी इस रिश्ते को और एक मौका दे रही है, आप भी कोशिश करिए प्लीज। तो पिछले 4-5 महीने में तुमने सॉलिड एक्टिंग करके पूरे ड्रामे का स्टेज सजा दिया। हाँ, मेरा दूसरा फोन मेरे पास शादी के पहले से था, हम उसी के जरिए बात करते थे। फिर मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और 4 दिन के लिए माँ पापा के घर आ गई। फिर 11 सितंबर की सुबह अपने दोस्त के पास जाने के बहाने मैं भोपाल आई, रमन के साथ सत्यम के घर गई। याद रखना, ये जो हम कर रहे हैं ना, अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे उसकी एक एक चीख सुननी है, समझे? माला के जाने के बाद मैंने घर के अंदर रात होने का इंतजार किया। माला, लगता है वो आ गया। तुम्हें उसकी चीखें सुननी थी ना, तैयार है ना? इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की को बिल्कुल दबा कर रखा हुआ था नैना ने। अगर फिर भी तुझे बात उस अंगूठी पर मेरा हक था, मैं उसे उस सत्यम की अंगुली पर नहीं रहने देना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर वहीं छोड़ दिया कि वक्त आने पर इसे माला मुझे खुद पहनाएगी। अगर वो खुद मुझे डाइवोर्स दे देता तो हमें उसे मारने की जरूरत ही नहीं होती। सामने से मांग रही थी, लेकिन उस पर तो अहंकार का भूत सवार था। और तुम पर बदले का, सत्यम की मरते वक्त चीखें सुनना चाहती थी तुम। आखिर इतनी नफरत क्यों थी माला? उसने तुम पर कभी हाथ उठाया, तुम्हें कभी टॉर्चर किया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो तुम्हें प्यार करता था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तुम अमन के साथ रहना चाहती थी माला, अब अपने बच्चे के साथ भी नहीं रह पाओगी। बहुत कुछ सोचा था तेरे लिए, तेरे बच्चे के लिए। तूने अपने बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। गलती? गलती नहीं विद्या, इसने तो खेल रचा था हम सबकी जिंदगी के साथ, धोखा दिया हम सबको। किस लिए किया इतना सब कुछ? उस 2% के लड़के के लिए या मेरी जायदाद के लिए? आज शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बेटी बुलाते हुए। तुझे अपने बच्चे का ख्याल एक बार भी नहीं आया, ये क्या कर दिया तूने? प्यार एक ऐसा एहसास है जो दो लोगों को आपस में बांध कर रखता है, लेकिन कई बार इस एहसास के बहाव में लोग बिना सोचे समझे सही और गलत की सभी सीमाएं पार कर जाते हैं और जुर्म की राह पर चल पड़ते हैं। माला और अमन का प्यार गलत नहीं था, लेकिन उस प्यार को पाने का रास्ता गलत था। सत्यम का गुस्सा जायज था, शादी के नाम पर उसके साथ खिलवाड़ हुआ था, लेकिन जब इस शादी की नींव ही खोखली थी तो अब उससे किसी भी तरह की उम्मीद लगाना फिजूल था। अच्छा होता अगर सत्यम ये समझकर इस रिश्ते से अलग हो जाता और अपनी जिंदगी को एक दूसरा मौका देता। भावनाओं में बहकर फैसले लेना आसान है, मुश्किल है भावनाओं के बवंडर में भी रिश्ते को बनाए रखना और समझदारी से काम लेना। जहां एक तरफ सत्यम अपनी जान गंवा बैठा, वहीं दूसरी तरफ अब माला और अमन अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताएंगे।
एक दूसरे से अलग, और कोई गलती ना होते हुए भी उनके होने वाले बच्चे को इस गलती की सजा का भागीदार बनना पड़ेगा। अपराध की नींव पर कभी भी खुशहाल जिंदगी की छत नहीं डाली जा सकती। ये समझना और ऐसे ख्यालों के अंतर्द्वंद से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।